अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज 2025 का पूरा सेंट्रल हज कमेटी का जो पूरा को उठाया है और अल्हम्दुलिल्लाह तेलंगाना से 9011 लोगों ने दरख्वास्त दाखिल की थी, जिसमें से 6519 खुशनसीब लोग हैं जिनका नाम कुर्रे में निकला है। और मैं उन तमाम आदमियों ने हज को हज कमेटी की जानिब से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने हमको इस सादत से मालामाल फरमाया है। और साथ ही साथ सिर्फ 2500 आदमी बचे हैं, इंशाअल्लाह ताला वेटिंग लिस्ट सभी का काम शुरू होगा, उसके अंदर अल्लाह चाहे तो वो लोग का भी हो जाएगा, उम्मीद करते हैं। और जो हजरात का नाम कुरान उठ चुका है, अक्टूबर की 21 तारीख आखिरी तारीख है, उससे पहले 1,30,000 रुपये सेंट्रल हज कमेटी ऑफ इंडिया के नाम से यानी बैंकिंग के जरिए जो है उनके नाम पर पैसे भेजें, उसकी रसीद लें और उसके साथ मेडिकल सर्टिफिकेट लें। और हर साल ओरिजिनल पासपोर्ट का कानून था, इस साल जो है जिराक्स पासपोर्ट पर भी वो अपनी साइन कर दे सकते हैं। इनकी तारीख लोगों को क्या है, हज में नाम उड़ गया हमारा, टाइम पे पैसे नहीं बनने से जो है नाम निकल जा सकता है। बहरहाल 21 अक्टूबर आखिरी तारीख है, तो इसके अंदर जो है अपने पैसे बन लें। हमारे नीचे काउंटर्स लगे हुए हैं, उसके पास आकर आप दाखिल कर सकते हैं। और कोई भी चीज़ की रहनुमाई की ज़रूरत है तो हमारा स्टाफ यहाँ पर मौजूद है, आप तमाम हजरात की रहनुमाई करेगा। और जो भी गरीब हजरात, जो भी मोमर हजरात हैं, उनसे ख्वाहिश करूँगा कि वो अपने औलाद ने अपने बेटा या बेटी को साथ ले जाए। और साथ ही साथ वहाँ पर गए साल जो चलने का जो लंबा सफ़र था, गर्मी ज़्यादा थी, हमारे लोगों को वॉकिंग की प्रैक्टिस नहीं रहती है, अभी से अल्लाह ने आपको चुना है तो आप अपनी सेहत सही करिए, रोज़ सुबह में वॉक करिए, मनासिक के हज पे जो है नज़र रखिए, अल्लाह की तरफ रुजू होइए ताकि आसानी से आपका हज हो सके, आपका हज कबूल हो सके। हज कमेटी की जानिब से जितने हमसे खिदमत हो सकती है वो हम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा स्टाफ वर्किंग आवर्स में यहाँ मौजूद है, किसी किस्म की कोई भी असिस्टेंस की ज़रूरत है हमको, हमारा स्टाफ लोगों की मदद करने तैयार है। क्योंकि गए साल का जो तजुर्बा था तो उसके अंदर हम ऑलरेडी CM साहब के जरिए, क्योंकि स्टेट हज कमेटी का रोल अलग है, सेंट्रल हज कमेटी का रोल अलग है, सऊदी गवर्नमेंट का रोल अलग है, मौलिम का रोल अलग है, तो ये चार मरहलों से एक हाजी को गुजरना पड़ता है। यहाँ तक का जो रोल है वो हमारा है, खादिम हम लिखे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, हमारा जो खादिमुल हुज्जाज है वो हमारे ही आदमी के साथ रहेगा। और हम ये भी लिखे हैं कि जो बिल्डिंग सिलेक्शन हो रही है हमारे तेलंगाना के लोगों का, कहाँ ठहरा कर रहे हैं वो हमें बताएं, तो हम सिलेक्शन जो बिल्डिंग आप कर रहे हैं वो भी हम जाके देख लेंगे कि अच्छे बिल्डिंग से बिल्डिंग सिलेक्शन को भी पूरे 50 बिल्डिंगों में से 5 बिल्डिंग भी ख़राब निकले तो बस है, वो 5 पे जो है शुरू, बरहर किसी को भी ख़राब नहीं मिलना चाहिए। तो हम ख्वाहिश करें सेंट्रल गवर्नमेंट से कि हमारा खादिमुल हुज्जाज हमारे आजमीन के साथ रहेगा, फिर हमारे लोग जहाँ ठहर रहे हैं उनको जो है पहले से हमको रिहाइश बताई जाए, और दूसरा यहाँ से जो मॉनिटरिंग करें वहाँ भी हमारी एक टीम और रहे ताकि वहाँ पर हमारे लोगों को दुश्वारी ना हो। हमें 5-6 ख्वाहिश सेंट्रल हज कमेटी से रखे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज अफेयर्स से रखे हैं, इंशाल्लाह ताला भी टाइम बाकी है, जाके भी नुमाइंदगी करेंगे और 100% हम ये कोशिश करेंगे कि किसी वजह में कोई तकलीफ ना हो। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह CM साहब को ब्रीफ नोट दिया गया है और इसीलिए हज का कोठा भी डबल CM साहब ने किया है। और ये इमिग्रेशन पॉइंट का मसला है, अब तो आपको 6,000-9,000 यहाँ से हो जाएंगे, लेकिन कोई भी आदमी अगर हैदराबाद से जाना चाह रहा तो उन्हें फॉर्म में लिख, हो सकता है इस साल भी 11,000-12,000 हो जाए। यहाँ की सहूलत देख कर, यहाँ का कम खर्चा देख कर, यहाँ का जो हम हज कमेटी का जो इंतज़ाम को देख कर लोग यहाँ से जाना चाहे, इसलिए 3,000 आदमी गए साल बढ़ गए। तो इंशाल्लाह ताला इस साल कोई भी हिंदुस्तान का आदमी रहें तो उसकी हम खिदमत करने के लिए तैयार हैं,
और सीएम साहब के पास हिदायत है कि किसी किस्म की कोई तकलीफ आजमीन का ना हो, उन्होंने कोटा बढ़ा के दिया है, और भी कोई ज़रूरत पड़े तो ज़रूर सीएम साहब से नुमाइंदगी करेंगे और ज़रूर जो है आप जैसा बता देना इस साल पहली झंडी सीएम साहब खुद ही लेंगे। सर वीआईपी और वीवीआईपी को लेकर तकरीबन हाजिरों को मैं आपको जो बोलना, देखिए वहाँ पर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था वो गर्मी का अल्लाह के हाथ में, दूसरा टोटल वहाँ का मैनेजमेंट सऊदी गवर्नमेंट के हाथ में रहता, सब कंट्रीज के लोग वहाँ पर जा रहे हैं, तो वहाँ का जो इंतजामिया है उनको चाहिए कि टाइम ट्रैफिक जाम हो गई, हमारे हाथ यहाँ तैयार होकर नीचे ठहरे रहे, चार घंटे तक बस नहीं रुके पैसे ठहरे रहे, तो इस किस्म की मिसमैनेजमेंट हुआ है, उसको भी जो है नुमाइंदगी करेंगे सी जी ए से कि जब जाना है तभी बस जो भी लोगों नीचे उतारे, जो उनके ज़्यादातर ज़यीफ लोग ज़्यादा रहते हैं बस करने में, देखिए 60% जो है ज़यीफ लोग रहते हैं, तो उनकी सेहत का भी ख्याल रखना है, उनको चलने फिरने का भी ख्याल रखना है, तमाम इसलिए बोल रहा ना 200 लोग ज़रा वॉकिंग कर लें, थोड़ी प्रैक्टिस कर लें, इंशाल्लाह ताला वो तमाम चीज़ों को लिख रहे हैं और जाके भी बोलेंगे। जुमला कितना रकम जी, जितना कितनी रकम हाजियों को पे करना है जी, वो सेंट्रल एस कमेटी तय करेगी, पहली फीस 1,30,000 रुपये बनने का है 21 अक्टूबर से पहले। पड़ोसी गवर्नमेंट से आंध्र प्रदेश से अभी तक कोई इसकी इत्तला नहीं है। खादिमुल हज्जाज के खादिमुल हज्जाज का जो सिस्टम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब मोदी सरकार आई तो चेंज की, उसके अंदर गवर्नमेंट सर्वेंट होना ज़रूरी है, एक मरतबा हज करना ज़रूरी है, तो अब हमारे पास जो अप्लीकेशन आएंगे तो उसके ऊपर ड्रा के जरिए उनको चुन लिया गया, उसके अंदर से कोई बीमार आदमी भी उसके अंदर सेलेक्ट हो गया, कोई ज़यीफ आदमी भी उसमें सेलेक्ट हो गया, तो इस बार हम ये कोशिश करेंगे कि जितने एप्लीकेशंस है पहले उनकी सेहत कैसी है, उन्होंने जाके हाजिम की खिदमत करने वाला है, हम दवाखाने में बैठने वाले हैं, हम लिखे दो आदमी यहाँ से गया जाके उन्हें दवाखाने में पड़े, उन्हें क्या हाजिम, और सुनने बड़ी बात जब तेलंगाना से खादिमुल हज्जाज जाते हैं वहाँ पहुँचने के बाद उन्हें तेलंगाना का खादिमुल हज्जाज नहीं होता, उन्हें इंडिया का खादिमुल हज्जाज हो जाता तो सेंट्रल हज कमेटी कहीं भी पोस्ट कर देती, मेरा तो वही इशारे है, मिसाल तौर पर निज़ामबाद से जा रहे लोग तो मैं खादिमुल हज्जाज को चाह रहा हूँ कि निज़ामबाद से ही अटैच कर दें, तो वहाँ निज़ामबाद के लोग एक साथ जाएं, एक ट्रेन में जाएं, एक बिल्डिंग में ठहरें और वहाँ जाकर एक साथ लौटें, खादिमुल हज्जाज टोटल उनके साथ रहे, तो ये हम कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला दिल्ली जाकर भी सुनवाई करूँगा, 6-7 महीने टाइम है। अरबी से देखिए गवर्नमेंट सर्वेंट जो हिंदुस्तान का कानून है, अब गवर्नमेंट सर्वेंट ही को भेजाना है, मैं कि मैंने जा सकता कोई अली नहीं भेजा सकता, ठीक है गवर्नमेंट सर्वेंट हो पर अरबी से वापस, अब उसके अंदर वो ड्रा होगा ना, उसके अंदर लिखेंगे अरबी जानने वाला, एक मतलब हज भी जाके आया है तो तजुर्बा तो होता है मुकाम। सर मेंटेनेंस को लेकर भी पिछले साल जो है काफ़ी प्रॉब्लम हुई जी, और हज कमेटी की जानिब से 25 लाख रुपये 15 दिन के लिए 15-16 दिन जो भी कैंप लगता मेंटेनेंस का, खाने का, टेंट का, जो भी हो टेंडर्स कॉल पर होते हैं बसेस का, तो उसके अंदर आपके गवर्नमेंट खुद वो टेंडर्स कॉल करी थी, हम कोर्ट की वजह से तो कॉल हो रहा मगर उसके ऊपर जो है आप लोगों की नज़र नहीं रह रही, जिस वजह से टेंडर लेने वाला अपनी मनमानी कर रहा, नज़र थी उसके ऊपर, नज़र थी देखे हम लोग, इंशाल्लाह आपके तो कोर्ट नहीं रहेंगे कुछ नहीं रहेंगे, अच्छा से अच्छा करेंगे, क्योंकि ये अल्लाह के मेहमानों का मसला है, यहाँ पर किसी किस्म की कोई ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए। इसी तरह के तमाम अपडेट्स, प्रोग्राम्स और इंटरटेनमेंट और दीगर तमाम मालूमात के लिए हमारे इस चैनल जेड नाउ टीवी को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक इंस्टा पर फॉलो जरूर करें, याद रखिए जेड नाउ टीवी यही सच है।